कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सो थैंक्स टू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 6 साल कंप्लीट कर चुका हूं फॉर एवर में। 2017 अप्रैल का महीना, गर्मियों में मेरे दिल में जगी पैसे की गर्मी, गर्मियों में मेरे दिल में जगी पैसे की गर्मी, और तभी मेरी आंखों के सामने अपॉर्चुनिटी आती है। थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर जतिन अरोड़ा, जिन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू सो मच सर। वो गर्मी थी, पैसों की गर्मी थी, फॉरएवर का प्लान समझा, एक चीज क्लियर हो गई कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स को समझा, सारी चीजें करी, जो जो चीजें चाहिए थी, जो जो चीजें रिक्वायर होती है ना। आप सब लोगों को अगर फॉरएवर बिजनेस में आगे बढ़ना है, एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जो आपको सिखाया जाएगा उसको फॉलो करो, उसको इंप्लीमेंट करो। फॉरएवर आप लोगों को सब कुछ दे सकता है, फॉरएवर आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैंने 18 की एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट नाउ आई एम 24 इयर्स ओल्ड, एंड गेस व्हाट, पिछले 6 सालों में पैसा तो खूब कमाया है, पर उस प्रोसेस में जो फॉरएवर ने आज मुझे इंसान बना दिया है ना, वो अलग है यार, वो गेम है। जब मैंने स्टार्ट किया, 2 cc कंप्लीट किया, हर किसी के लिए एक छोटा सा चैलेंज होता है स्टार्टिंग में, 2 cc। कहते हैं ना, अगर बहुत आगे तक जाना है तो एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो आसान नहीं होता। अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट में, 2 cc करना हमारे जैसे 18 साल के बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। घर वालों को मनाया, इधर उधर से जुगाड़ लगाया, भैया को समझाया, चाचा को समझाया, 2 cc फाइनली एक हफ्ता लगा के कर ली कंप्लीट। अब एक चीज समझी थी, सब बोलते थे 2 cc कर लो उसके बाद यहाँ जिंदगी बदल जाती है। वो कैसे बदलती है? काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पे ना 4 सिंपल तरीके के काम है, 4 काम। पहला काम, यूज दी प्रोडक्ट। फर्स्ट वर्क, यूज दी प्रोडक्ट। पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करो। दूसरा काम, उसी जो प्रोडक्ट को शेयर किया, अच्छा लगा तो शेयर दी प्रोडक्ट। सेकेंड वर्क, शेयर दी प्रोडक्ट। थर्ड, लर्न दी बिजनेस, बिजनेस को सीखो। मैंने बिजनेस को सीखा, मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा, प्रोडक्ट को शेयर किया, समझ आया शेयर करने से तो कम इनकम आती है, ज्यादा चाहिए, तो बिजनेस को लर्न करना स्टार्ट किया। और चौथा, यहां बैठे हर एक शख्स का वो फेवरेट काम होना चाहिए, शेयर द बिजनेस। तो ये 4 काम करने हैं फॉरएवर में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये 4 काम कर लिए, सक्सेसफुल होने पे 11 टाइप्स ऑफ इनकम, यू विल गेट 11 टाइप्स ऑफ इनकम जो हमें फॉरएवर से मिलती है। मैंने अचीवमेंट करी, मेहनत करी, 6 महीने में मैनेजर लेवल अचीव किया, इनकम क्रॉस कर गई 6 फिगर, तो बहुत बढ़िया लगा। पहली बार जब चेक आया ना घर पे बाय कोरियर, उस समय कोरियर से आते थे घर पे चेक, तो पापा ने जब मैंने इस बिजनेस स्टार्ट किया था, माय फर्स्ट मंथ इनकम वाज लेस देन 1000 रुपीस। उसके बाद जब वो 6 फिगर इनकम आई, पापा ने वो चेक खोला और देखा, कहते तेरा ही है, ये तेरा ही चेक है। मैंने कहा यस। कह रहे अकाउंट में पैसे आएंगे, 15 नहीं, उस दिन 14 को आने थे, मैंने कहा एक दिन पहले आ गए। पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पावर ऑफ फॉरएवर। एक दिन पहले जब वो चेक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, उस दिन पापा ने कह दिया, जब ये डिसीजन लिया था फॉरएवर करने का, तब उन्होंने बोला था इस काम को मत करियो, पर 6 महीने बाद उन्होंने पता है क्या कहा, स्टेटमेंट चेंज हो गई, इस काम के अलावा कोई और काम मत करियो। तो उसी दिन डिसीजन बना लिया दिल से, क्योंकि लोग बोलते हैं फॉरएवर के यहाँ, फॉरएवर में मैनेजर बनने के बाद अचीवमेंट्स की लाइन लगती है, तो अचीवमेंट्स यहाँ पे मेरी भी शुरुआत हुई। मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, सबसे पहले 2018 में गोवा गए, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे जो मैनेजर रिट्रीट आते रहे, ऑन एंड ऑफ जाते रहे, बैंगलोर, गोवा, बहुत सारे थे। फिर टीम के साथ मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, उसके बाद ईगल मैनेजर किया, ईगल मैनेजर 2019 में आई गॉट ए चांस
मेरे को चांस मिला डेलेस में फॉरएवर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का. आई हैव बीन इंटरव्यूड इन डेलेस टेक्सास इन 2019. मिस्टर ग्रेग मॉन वाज देयर, मिस्टर एडन वाज देयर. आई एम रियली रियली ब्लेस्ड. उस दिन मैंने बोला था यस, हमारे इंडिया से जीएलटी भी होगा, हमारा इंडिया नंबर वन भी आएगा. तो आप लोग नंबर वन लाओगे इंडिया को, यस और नो? यस और नो? और हमारे बीच में उस दिन जीएलटी भी पैदा हो गया, यस और नो? सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कृष्णा एज वेल. तो जब ईगल मैनेजर किया ना, जब ये सारी ट्रिप्स अकेले कर रहा था, तो अकेले ना वो मजा नहीं है जो आप सब लोगों के साथ आएगा. तो ये टीम के साथ क्वालिफाई किया ईगल मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट, सारी अचीवमेंट्स टीम के साथ अचीव करना स्टार्ट कर दी. बहुत मजा आने लगा जब टीम के इतने सारे लोग साथ में हर ट्रिप पर होते थे ना, बड़े एंजॉय करते थे, डांस करते थे, सीखते साथ थे, लर्निंग साथ करते थे, कितना जबरदस्त मजा था. कहते हैं ना, जर्नी बिगेंस विद ओनली वन स्टेप. अगर आपको 1000 किलोमीटर दूर भी जाना है ना, तो उसके लिए आपको ये कदम है ना, ये कदम, ये अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी बन पाओगे, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा. करना है, मैंने 2cc करने का डिसीजन लिया, मैंने ये सारी चीजें अचीव करी. वो कैसे? एक ही चीज थी कि मेरी डेडिकेशन बहुत ज्यादा हाई थी. जो मैं अपने पेरेंट्स को लाइफ देना चाहता था वो मैंने दी. मैं सेल्फिश बना खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मैं सेल्फिश बना अपनी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए, मैं सेल्फिश बना अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए. तो सेम मैं भी चाहता हूं, अगर ऐसा सेल्फिश बनने में इतने सारे फायदे हैं, आप सारे लोग भी बनना बनोगे, यस और नो? यस और नो? बहुत ही खूब, बहुत ही खूब. ये सारी अचीवमेंट्स हुई. इसके बाद यहाँ कहानी रुकी नहीं, थोड़ी सी पैसे आए, पहली गाड़ी ली 2020 में, लॉकडाउन में. आपको पता है लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हो गया था ना, तो लॉकडाउन जैसी कंप्लीट हुआ उसी टाइम पर एक गाड़ी लेके आया लगभग 21 लाख रुपए की, किया सेल्टॉस. शगुन होता है इसलिए 21 वाली ली थी, है ना? 21 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया, किया सेल्टॉस टॉप वेरिएंट. लाइफ में एक चीज समझ आ गई थी ना, कहाँ जाना है हमें? टॉप पर. तो गाड़ी भी टॉप लेनी है, टॉप वेरियंट किया सेल्टॉस आई. उसके बाद ना पापा ने एक चीज बोली थी, एक बार हमारे घर में गेस्ट आते हैं फॉर्चुनर में, वो रथ है रथ, तो पापा ने बोला यार ये गाड़ी मेरे को चाहिए. उस दिन दिमाग में एक चीज बिठा ली थी, इतनी मेहनत करनी है कि ये गाड़ी लेके आनी है. उसके बाद अपने खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसों से एक 3 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, 3 करोड़ रुपए का. समझ आ गया था पहले एक एसेट भी बना ली जाए, घर बड़ा होगा तभी गाड़ी अच्छी लगेगी, है ना? उसके बाद ये गाड़ी आपके सामने है. पापा ने कह दिया तू करता यार, ओ बापू तेरे करके, है ना? वो कर दिया था काम, वो आ गई गाड़ी. मैं जिस दिन गाड़ी लेने गया था शोरूम में, उस दिन देखा था यार पापा को, वो ना उनको गाड़ी चलानी नहीं आती, पर स्टेयरिंग पे पता कैसे बैठे थे, ये मेरी गाड़ी है. उस दिन अच्छा लगा था बहुत. ये फीलिंग अगर आपने जिस दिन दे दी ना अपने घर वालों को, ट्रस्ट मी आप करोड़ों रुपया कमा लो. वो फीलिंग नहीं मिलेगी, वो खुशी नहीं मिलेगी. एंड थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू FLP इंडिया मैनेजमेंट, FLP वर्ल्ड, कि जिन्होंने मेरे को इस काबिल बना दिया. एंड यस, सेल्फिश हूं, मैंने भी मेहनत करी है, मेरे को तभी मिला है. आप सब भी मेहनत करोगे, आपको भी मिलेगा. मेहनत करते करते आई एंटर्ड इन ग्लोबल चार्ट्स ऑन द 7th नंबर तारंग अरोड़ा. 2 महीने लगातार ग्लोबल चार्ट्स के अंदर ऐड हो गया. बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, और मेरे को डायमंड भी करना है, GLT भी करना है, सारी चीजें करनी है. बट यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोगों का एक कॉमन टारगेट है, विच इज इंडिया इज टू बी नंबर वन. ये हमारा एक सब लोगों का टारगेट है, तो उस टारगेट के लिए मेहनत करनी है. बहुत समय बाद इस स्टेज से दहाड़ने का मौका मिल रहा है. मैं जब पहले सक्सेस डे में आया था ना, वो वहीं पीछे बैठा था, फिर थोड़ी सी जर्नी करके आगे आया, फिर थोड़ी जर्नी करके और आगे आया, फिर जर्नी आगे आगे करते करते इन सोफों पे आ गया. ये इन सबके लिए बड़ी मेहनत करी है लोग, तो मेहनत करना छोड़ी नहीं कभी, मेहनत करते रहे. और फॉरएवर में ना एक चीज बोली जाती है, यस्टरडे वी वर इन ट्रेनिंग, मिस्टर एडन सर ने एक बात बोली कि इन फॉरएवर स्काई इज द लिमिट. व्हाट डू यू मीन बाय स्काई? ये खुला आसमान है, कितना भी उड़ सकते हो आप. व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लोगो एस ईगल? ईगल क्यों है वो? क्योंकि ईगल ऊंची उड़ाने भरता है.
ऊंची उड़ान। तो हम सब लोग यहां जितने लोग हैं ना, सब लोगों को ऊंची उड़ाने भरनी है। आई एम तरंग एंड आई एम फॉरएवर। थैंक यू सो मच एवरीवन। इट वाज रियली 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 नाइस मीटिंग यू ऑल।